हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या गुनगुन के एडमिशन के लिए मैं कहीं पे आई थी, तो पास में ये गणेश जी का मंदिर है तो मैं यहाँ पे भी आ गई। पहले कॉलेज टाइम में आती थी, अब तो आना जैसे एकदम से बंद ही हो गया है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हो जाती है, बच्चे हैं, घर परिवार है, तो इसके कारण से मैं निकल ही नहीं पाती। तो यहाँ पे दर्शन हनुमान जी के, गणेश जी के दर्शन किए। और यहाँ पे क्या, वो कोरोना के कारण थोड़ा सा नियम्स जो रूल्स थे ना, वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए थे। हम लोग बाहर का प्रसाद लेके अंदर नहीं जा सकते थे। पहले तो मैंने प्रसाद खरीद लिया और बाद में नहीं लेके जाने के बोले कि अंदर से प्रसाद खरीदना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अंदर से ले लेंगे। तो बस अब यहीं पे, और वो थोड़ा टेस्ट वगैरह भी कर रहे थे, टेम्परेचर वगैरह चेक कर रहे थे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगे हुए लाइन में। फिर हम लोग अंदर गए, और दर्शन करने के बाद में ये जो रेस्ट पोर्स पोर्स होता है, तो यहाँ पे क्या 2 मिनट के लिए बैठना पड़ता है कि हाँ हम दर्शन करके आए तो हम थोड़ा बैठेंगे ऐसे। और यहाँ पे पास में एक और हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, तो मैंने सोचा लगे हाथ वहाँ पे मौके का फ़ायदा वहाँ का भी उठा लूँ और बताती हूँ आप लोगों को। अभी हमने ये मोती डूंगरी वाले गणेश जी के वो किए, दर्शन किए। यहीं पे मेरा पास में कॉलेज था, और पहले तो हम हर वीक आते थे जब मैं जयपुर में रहती थी, अभी इतना पॉसिबल नहीं है। और यहीं पे पास में एक हनुमान जी का मंदिर भी, पंचमुखी हनुमान जी और माता जी का मंदिर भी। आज अष्टमी है, तो चलो बहुत ही अच्छा शगुन हो गया मेरा कि मैंने अष्टमी वाले दिन गणेश जी महाराज के भी दर्शन कर लिए और इधर भी कर लिए। और अभी देखते भी थोड़ा सा इधर कुछ मार्केट है, वहाँ जाऊँगी और उसके बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को भी, क्योंकि अभी तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ। मेरा कैमरा मैन है ना, बहुत घूर रहा है मुझे, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा रुक के वीडियो बनाती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने कबूतरों को दाना वाना डाला और कुछ नाश्ता वाश्ता किया हल्का फुल्का। और यहाँ पे बस मैं, ये जो आता है कि इलेक्ट्रिक रिक्शा, सब लोग जानते होंगे, उसमें बैठ के बस जयपुर की सुंदरता देखते देखते मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। कुछ बोल रही हूँ लेकिन वो सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था इसलिए। और यहाँ पर मैं एक कॉफ़ी शॉप में आई हूँ, यहाँ की कॉफ़ी मतलब ऑसम कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी तो एक नंबर कॉफ़ी है। तो बस बच्चे बोले बोला कि हम लोग पियेंगे फिर बाद में तो चले जाएंगे, बार बार थोड़ा जयपुर, यू नो, बच्चे थोड़ा सा क्या इमोशनली ब्लैकमेल करके काम करवा लेते। तो ये आ गई है मेरी कोल्ड कॉफ़ी, और बस ये कोल्ड कॉफ़ी पीते पीते मैं यहीं पर वीडियो को एंड करूँगी, क्योंकि थक गई हूँ, थकान हो रही है, जाएँगे घर, हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो मिलते हैं फिर से एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, शपथ।